वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन न्यू वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स टूडे डियर स्टूडेंट्स टूडे वी आर डूंग न्यू चैप्टर दैट इज एंगल एंड दियर प्रॉपर्टीज एंगल और उनकी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में ठीक है अभी सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल क्या होता है ठीक है अब थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा कि जहां पर क्या आप ये देख सकते हैं कि जहां पर दो रेज मीट करती है ठीक है तो उसको हम ये जैसे जैसे यहाँ पर देखो एक रे ये है एक रे ये है मीट कर रही है यहाँ पर तो यहाँ पर एक बना रही है ये एंगल इसको हम एंगल बोलेंगे ठीक है अब रियल लाइफ में भी हमारे पास एंगल्स होते हैं जो हमारा घर बनता है देखो जो मैथमेटिक्स है वो हमारे रियल लाइफ पे बेस्ड बहुत सारी चीजों पे बेस्ड है ठीक है मैथमेटिक्स टोटली बेस्ड ऑन आवर रियल लाइफ ओके सो अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखें जब आप सीजर को खोलेंगे सीजर की आम को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको एक एंगल मिलेगा ठीक है लैपटॉप को अगर आप देखेंगे लैपटॉप का भी एक एंगल आपको मिलेगा ठीक है बुक यू विल गेट वन एंगल एंड दिस चेयर ऑल्सो टेबल यू विल सी देन यू विल गेट एन एंगल ठीक है देखो एंगल की दो साइड्स होती हैं, अगर एंगल देखा जाए तो एक होती है टर्मिनल साइड एक होती है इनिशियल साइड और इस ओ को हम बोलते हैं वर्टेक्स ठीक है इतना आपको याद रखना है ठीक है ओके ओके नाउ नेमिंग एन एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है देखो एंगल जैसे मैं क्या कह रही हूं कि एंगल को नेम करना है तो कैसे करके करेंगे अब देखो ये वाला है ये वाला है सपोज मुझे इस वाले एंगल को नेम करना है तो इस वाले एंगल को नेम करने के लिए हमें ये ओ बीच में रखना है अगर मैंने ओ बीच में रखा एक बार मैं बी ओ ए भी बोल सकती हूँ क्या बोल सकती हूँ बी ओ ए फिर से मैंने इस ओ को बीच में रखना है ओ बी ऐसे करके भी ये जा सकता है ठीक है और मैं इसे एंगल वन या फिर एंगल एक्स भी बोल सकती हूँ ऐसे करके हम क्या करेंगे नेम करेंगे सो लेट्स मूव इन अवर दिस सेवनटीन एक्सरसाइज सो अब फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव एनी थ्री एग्जाम्पल ऑफ एंगल फ्रॉम योर एनवायरमेंट तो जैसे कि मैंने कहा है बेटा कि मैथमेटिक्स टोटली बेस्ड ऑन अवर रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस सो यहाँ पर भी उसने कहा कि तीन एग्जाम्पल बता दीजिए एंगल की जो आपको एन्वायरमेंट से मिलते हैं सो so, फर्स्ट इज द ब्लेड ऑफ अ सीजर वेन ओपन फॉर्म एन एंगल अभी मैंने आपको दिखाया है कि सीजर को जब हम ओपन करते हैं तो वो एक एंगल बनाती है द रे ऑफ द मॉर्निंग सन फॉलिंग ऑन द ग्राउंड मेक एन एंगल विद द ग्राउंड जैसे यहाँ पर ये सन है ठीक है मॉर्निंग में ये सन है और यहाँ पर ये ग्राउंड के साथ एक एंगल बनाता है ठीक है ये सपोज एक ग्राउंड है तो ये रेज जो आ रही है ना वो क्या करता है इस ग्राउंड के साथ एक क्या बना रही है एंगल बना रही है ठीक है द पिलर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड मेक एन एंगल ठीक है ये एक पिलर है सपोज ऐसे अगर खड़ा हो रखा है ये ग्राउंड है तो ये भी क्या बना रहा है एक एंगल बना रहा है चाहे नाइन्टी डिग्री का है चाहे नाइन्टी डिग्री का नहीं है बट ये क्या बना रहा है एक एंगल दीज आर द्री एग्जाम्पल ऑफ एंगल्स फ्रॉम अवर एनवायरमेंट ओके क्वेश्चन नंबर टू इज नेम द फॉलोइंग एंगल्स इन द थ्री डिफरेंट वे ठीक है जो ये वाला एंगल है ये वाला एंगल ए वन टू थ्री इनको हमें अब तीन तरीके से बताना है तो ठीक है सबसे पहले तो मैंने कहा है कि जो भी एंगल है उसे बीच में लिख दो तो। जो भी एंगल है इसे बीच में लिख दो तो।, तो बी वाला एंगल हमें निकालना है एक बार में क्या कर सकती हूँ सी बी ए ऐसे करके तो होगा सी बी ए और एक हम यहाँ से जा सकते हैं ए बी सी ए बी सी एंड लास्ट इज थर्ड इज ए एंगल ए बोलेंगे ठीक है देन दिस सेकेंड वन इज जेड एंड जेड आई विल राइट इन बिटवीन एक्स

बी ए बी सी एंड बी डी आर रेज क्या ये बी ए बी सी और बी डी रेज है यस अफकोर्स इट इज रे क्योंकि हमें पता है रे में क्या होता है एक फिक्स पॉइंट होता है और आगे का जो लाइन होती है वो क्या होती है हमें नहीं पता होती है उसकी इन्फिनाइट कहीं भी लेंथ हो सकती है ठीक है पर रे में एक फिक्स पॉइंट होता है आप यहाँ देखिये कि बी वाला फिक्स पॉइंट है लेकिन ये आगे कहाँ जा रहा है आपको नहीं पता ये बी ए ए पता नहीं कहाँ आगे कितना जा रहा है बी सी ठीक है देयर आर थ्री एंगल्स ऑन द फिगर इसमें तीन एंगल्स हैं। क्या आप बता सकते हैं एक उसने बोल दिया एंगल ए बी सी तो ए बी सी वन एट्टी का बना रहा है ठीक है दूसरा एंगल कौन सा होगा एक एंगल आपको ये दिख रहा है और एक एंगल आपको ये दिख रहा है बस नेम करना है तो बी वाला बीच में लिखूंगी ए बी डी हो जाएगा एक एंड वन इज डी बी

नेम एट लीस्ट सिक्स एंगल दैट आर फॉर्म बाय द रे कम से कम आपको सिक्स एंगल बताने हैं कम से कम आपको सिक्स एंगल बताने हैं देन सो सिक्स एंगल वी हैव टू तो देखो भाई एक एंगल ऐसे हो जाएगा जिसको हम कहेंगे एंगल पी ओ आर ओके वन इज दिस वन एंगल पीओ एस वन इज दिस वन दैट इज एंगल एस ओ क्यू ओके थ्री आर दियर वन इज दिस वन सो एंगल आर ओ क्यू आर ओ क्यू फोर एंगल वी गॉट ठीक है आपको चार एंगल तो आपको मिल गए हैं अब कौन कौन सा हो सकता है अभी देखें आर ओ एस हो सकता है वन एट्टी का तो बना रहा है तो आप यहाँ पर लिख सकते है आर ओ एस लिख सकते हैं, R -O -S. लिख सकते हैं। और कौन कौन बना रहा है एक ये आर ओ एस हो गया एक आप अगर ऐसे करके देखें तो यहां पर आपको दिखेगा ओ क्यू एंगल ओ क्यू भी क्या क्या बना रहा है वन एट्टी का बना स्ट्रेट एंगल बना रहा है सो थ्री थ्री सिक्स ओके नेंस एंगल इन द फिगर फाइव ओ वर्टेक्स सिक्स बनाना है आपको तो ठीक है ओ को बीच में रखना है ठीक है तो ठीक है एंगल ओ को बीच में रखेंगे तो एक हो जाएगा एओ बी सेकेंड इज ओ बी बी ओ सी बी ओ सी थर्ड इज सी ओ डी सी ओ डी सी ओ डी अच्छा नाउ ओ सी भी तो बोल सकते हैं, ये बीच वाला हटा दें, आप सीधे सीधे बोलने ए ओ सी भी एक एंगल है ठीक है बी ओ डी भी आप एंगल बोल सकते हैं बी ओ डी भी एंगल है हमारे पास एंड डी इज ऑल्सो एन एंगल एडी इज ऑल्सो एन एंगल ठीक है इन क्वेश्चन नंबर सिक्स ये है क्वेश्चन नंबर सिक्स लिस्ट द पॉइंट विच आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ओ ओ के इंटीरियर कौन कौन से हैं अंदर कौन कौन है तो मुझे एम और एन इंटीरियर में दिख रहा है ठीक है इन द एक्सटीरियर बाहर कौन कौन है एक्स और वाई देखो बाहर है ये अंदर नहीं है तो एक्स एंड वाई आर द एक्सटीरियर एंड लाइंग ऑन और लाइन ऑन एंगल ओ ओ पे कौन कौन लाइंग कर रहा है तो ए ओ और बी कौन कौन से बेटा ए ए ओ और बी आई होप आपको कुछ समझ आया होगा टू दैट पॉइंट बी सेफ स्टे हेल्दी थैंक यू हैव डे